दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे पीलिया का एक ऐसा इलाज जो कि आप उसको दो खुराक यूज करके आप आसानी से पीलिया को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि पीलिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब किसको व्हाइट वाला हो जाता है, किसी को ब्लैक वाला हो जाता है और किसी को येल्लो वाला हो जाता है। क्योंकि पीलिया की जो बीमारी की किस्में हैं, कुछ 14 तरीके की हैं जो सबको ज़्यादातर होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों, होता क्या है कि जब पीलिया की बीमारी हो जाती है तो उस इंसान को जिसको पीलिया की बीमारी होती है, ना तो उसको सर्दी होती है और ना उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से उसकी नाक बह सके या उसको सर के ऊपर जो नज़ला जमा हो निकल सके। तो इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे लोग इसको ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह भटकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको किसी को भी पीलिया हो गया है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए आसानी से अपने घर पे, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप आसानी से कर सकते हैं। बस मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि किस तरह से उसको यूज करना है और क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो उसके लिए दोस्तों, हमें ये दो एक जड़ी बूटी है जो आती है, जिसको लोग पीलिया का फल बोलते हैं, कोई पंडाल फल बोलता है, कोई पीत फल बोलता है। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा और आपको गांव में अगर आप रह रहे हैं तो गांव में भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। ये जो है झाड़ियों में ज़्यादा लगता है और जहाँ पे मतलब लोग सामान वगैरह फेंकते हैं या जहाँ पे खेती किसानी होती है और जहाँ पे खाद वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे हो जाता है। कुछ इस तरह का कटीला टाइप का फल होता है तो इसको पीत फल बोलते हैं, और कोई पंडाल फल बोलता है, कोई पीत फल बोलता है और कोई पीलिया का फल बोलता है। तो सिंपली आपको ये दो चीज़ परचेस करना है, दो पीस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हो और अगर आपको कहीं आसपास में अगर लगा हुआ मिल जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो सिंपली इसको लेना है और दो फल इस तरह से आपको ले लेना है और दोनों को किसी वाटी या गिलास में थोड़ा सा मसल देना है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसा तोड़ के रख देना है, यानी इसको थोड़ा सा तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद में क्या काम करना है कि अगर आप ये दो फल डालते हो तो ये दो फल के साथ में आपको कम से कम 30 ग्राम पानी डालना होगा इसके अंदर। तो इसी तरह से आप वाटी ले लीजिए और उसमें ये दो पीत फल डाल दीजिए, और इसके बीज हैं लेकिन इसको बीज को बिल्कुल मत फेंकिए, इसी में पड़ा रहने दीजिए। जो भी फल है आपको इसी में तोड़ के इसे और इसी में छोड़ देना है, और इसी के अंदर आपको 25 ग्राम पानी डालना है। 25 ग्राम मतलब एक नाप के हिसाब से डालना है, ज़्यादा नहीं डालने का, बिल्कुल एकदम दो फल के साथ 25 ग्राम ही पानी चाहिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली हम इसके अंदर 25 ग्राम पानी भी डाल देते हैं। दोस्तों, हमने ये 25 ग्राम पानी डाल दिया है और इसके अंदर हमने ये दो फल डाल दिया है। अब हमें करना क्या है कि अब हमें ये जो प्रक्रिया है हमें इसको रात में करना है, और रात में करने के बाद में इसको रख देना है और इसको किसी बर्तन से या किसी से ढक देना है जिसके अंदर कोई चीज़ जा ना सके, और ये रात भर में इसे ऐसे पड़े पड़ा ये फूल जाएगा और इसके अंदर जो तासीर है वो तुम्हारे पानी के अंदर आ जाएगा। अब सिंपली आपको सुबह उठना है और इस पानी को छान लेना है। आप कपड़े से छान लो या चाय छानने वाली छन्नी से छान लो, अदरवाइज आप जिससे छान सकते हैं आप उससे इसको आसानी से छान लीजिए। और छानने के बाद में जो पानी निकलता है आपको खाली पेट दो बूंद आपको नाक में डालना है, दोनों साइड में एक एक बूंद नाक के अंदर डाल लीजिए, और आप दही ले लीजिए। दही के अंदर इसी पानी को 3 या 4 बूंद दही के अंदर डाल के उसको फेंट के और वो दही पी लीजिए। आपको सिंपली ऐसे सुबह में करना है और फिर ऐसे ही शाम में करना है। आप दो बार यूज करोगे आपको दूसरे दिन जो है आपकी नाक खुल जाएगी और नाक से जो भी बलगम वगैरह कुछ भी निकलेगा, जो पीला पीला निकलेगा, समझ लीजिए कि आपका पीलिया झड़ रहा है माइंड के जरिए या नाक के जरिए से। तो इस तरह से आप सिंपली ठीक कर सकते हैं। आपको एक ही बार लेना है और एक ही बार करना है, और जो पानी आप बचेगा उसको संभाल के रखिए। अगर सुबह में यूज किया तो नहीं होता है तो आप शाम में कर लीजिए, और अगर शाम में भी नहीं होता तो अगले दिन सुबह और शाम, यानी दो दिन में आपका पीलिया है ऑटोमेटिक झड़ जाएगा बस इसके सेवन से। तो आपको दोनों टाइम ऐसे करना है। अगर आप शाम में लीजिए तो थोड़ा सा 2-4 बूंद दही में डाल के फेंट के पी लीजिए, और एक दो कतरा नाक में डाल लीजिए। शाम में भी आप थोड़ी सी दही ले लीजिए, उसके अंदर 2-3-4 बूंद पानी डालने के बाद में उसको पी लीजिए। आपको इसे 4 खुराक करना है, एक सुबह एक शाम और एक सुबह एक शाम, 4 खुराक करना है दो दिन के अंदर। आपकी कितनी भी टाइम से पी लिया हो या आप जल्दी निकल नहीं रहे हो, आप जगह जगह झड़ा चुके हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो 100% आप इसको 100% से आप इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसको सिर्फ 4 डोज लेना है, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम। इससे आपकी जो है नाक में जो बलगम है, जो माइंड पे जो बलगम जमा हुआ है, और आपके हाथों में और नाखूनों पे जो पीले पीले आ गए, तो ये नाक के जरिए से ही, माइंड के जरिए से ही पीलिया झड़ती है। तो ऑटोमेटिक ये झड़ जाएगी और 100% आपका ठीक हो जाएगा। और ये मात्र आपका, अगर आप परचेस भी करते हैं ये पीतफल, तो आपको 2 या 3 रुपये का मिलेगा, और अगर आपको फ्री मिल जाता है कहीं पर लगाओ मिल जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से यूज करके आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।